नमस्कार दोस्तों, डेली टेक ट्यूट्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। हम सभी लोग फेसबुक यूज़ करते हैं और हम में से ज़्यादातर लोग उसे अपने स्मार्टफोन्स पे यूज़ करते हैं एक ऐप की फॉर्म पे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फेसबुक में काफ़ी सारे प्राइवेसी कंसर्न्स रहते हैं हमें, जैसे कि हमें कौन कौन देख सकता है, जो हम पोस्ट कर रहे हैं वो कौन देख सकता है। तो दोस्तों, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए अपनी प्राइवेसी के बारे में और आज का वीडियो हम इसी को डेडिकेट करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फेसबुक में एक फ़ीचर होता है टैगिंग का। टैगिंग का फीचर माने आपको कोई भी आपका दोस्त किसी भी पोस्ट में टैग कर सकता है, यानी कि आपका नाम को वहाँ पर टैग कर सकता है। इसे टैग करने से क्या होगा कि आपका जो नाम है, आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपको इसमें पोस्ट में टैग किया गया है, और अगर वो पोस्ट पब्लिक है तो आपका जो नाम है वो एक पब्लिक फीड में आ जाएगा, यानी सबके लिए पब्लिक हो जाएगा, और आपके जो दोस्तों के दोस्त हैं वो भी आपके नाम को देख सकते हैं क्योंकि आप वहाँ पर टैग्ड हैं। तो दोस्तों, कई बार ये बात हमें बहुत ही इरिटेटिंग लगती है कि जैसे कुछ ऐसी पिक्चर्स होती हैं जिसमें हम नहीं भी होते तो भी लोग हमें क्या करते हैं, उसमें टैग कर देते हैं। तो आज हम इस समस्या का हल लेके आए हैं कि आप कैसे प्राइवेसी में सेटिंग्स में जाके अपने आप को टैग होने से बचा सकते हैं, या टैग करने से पहले आप रिव्यू कर सकते हैं कि आप परमिशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं अपने आप को टैग करने के लिए। तो दोस्तों, ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है अपनी प्राइवेसी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई टैग कर सकता है या नहीं। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपके पास जो फेसबुक की ऐप है उसको आप खोलेंगे। खोलने पे क्या होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर है वहाँ पे आपको तीन जो लाइंस दिखाई देती हैं, वहाँ पे जाके आप सबसे पहले सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाइए। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के बाद आपको एक मेन्यू दिखेगा, उसके टॉप पे रहेगा सेटिंग्स। आप उस आइकन को प्रेस कीजिए। उस आइकन को टैप करने पे आपको एक और मेन्यू दिखेगा जहाँ पे आपको प्राइवेसी के अंडर दिखेगा टाइमलाइन एंड टैगिंग। तो दोस्तों, ये हमारे काम की चीज़ है, टाइमलाइन एंड टैगिंग। तो दोस्तों, हम इस पे टैप करेंगे। देखिए, इस पे टैप करने के बाद एक और बढ़िया सा मेन्यू हमारे लिए खुलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले टाइमलाइन के बारे में आपको बताएंगे। आप सभी जानते हैं कि जो आपका फेसबुक का अपना पेज होता है, प्रोफाइल पेज होता है, उसमें आपकी एक टाइमलाइन आती है। तो उस टाइमलाइन पे आपके दोस्त आपके, जब आपका स्पेशली जन्मदिन वगैरह होता है या कोई एनिवर्सरी होती है, आपको विश करते हैं, आपके टाइमलाइन पे लिखते हैं। पर कई बार हम ये चीज़ पसंद नहीं करते कि कोई हमारी टाइमलाइन पे लिख रहा है। तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम कर सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। तो हम क्या करेंगे, हम रिव्यू कर सकते हैं कि हमारे टाइमलाइन पे कौन पोस्ट कर सकता है। तो आप इसे टैप कीजिए। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगी, हु कैन पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, कि आपकी टाइमलाइन पे कौन कौन पोस्ट कर सकता है, आपके दोस्त या फिर सिर्फ आप। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी टाइमलाइन पे कोई और पोस्ट करे तो आप यहाँ पे ओनली मी को क्लिक कर सकते हैं। जब आप ओनली मी को क्लिक करते हैं तो केवल आप ही अपने फेसबुक पे लिख सकते हैं और कोई भी वहाँ नहीं लिख पाएगा। तो देखिए, हमने सिलेक्ट कर लिया ओनली मी। अब हम बैक जाएंगे। देखिए, सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, हु कैन सी व्हाट अदर्स पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, यानी कि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारी टाइमलाइन को देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। मगर अगर आपको कोई प्राइवेसी कंसर्न है तो आप ये सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई और जो पोस्ट कर रहा है आपके टाइमलाइन पे वो कौन देख सकता है। तो आप इसको टैप कीजिए। देखिए, जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओनली मी का ऑप्शन टैप किया हुआ है, इसके अलावा और भी ऑप्शन है कि पब्लिकली कोई भी आपकी टाइमलाइन देख सकता है, आपके दोस्तों के दोस्त देख सकते हैं, आपके दोस्त देख सकते हैं, या आपके कुछ दोस्त देख सकते हैं, बाकी नहीं, वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ओनली मी का किया हुआ है। अगर आपको अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा कंसर्न है तो आप कृपया ओनली मी को सिलेक्ट कीजिए और अपने टाइमलाइन को सिर्फ आप ही देख सकते हैं। अब हम बैक जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया टाइमलाइन के बारे में। आगे हम जानते हैं कि हमें टैग किए हुए पोस्ट में कौन देख सकता है। तो दोस्तों, कई बार ऐसे होता है, कुछ पिक्चर्स में हम नहीं भी होते
तो भी लोग हमें उसमें टैग कर देते हैं। तो उसके लिए क्या है कि हम आपको इसको टैप करेंगे। इसको टैप करने पे हमें दिखेगा एक मेन्यू, यहाँ पे हमें जैसे हमने टाइमलाइन पे मेन्यू देखा था वैसे ही दिखा गया हमें कौन टैग कर सकता है और हमारी कौन पोस्ट देख सकता है जिसमें हम टैग्ड हैं। यहाँ पे एवरीवन यानी कि पब्लिकली, दोस्तों के दोस्त, हमारे दोस्त और दोस्त कुछ को छोड़ के वो आप खुद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ओनली मी का ऑप्शन किया हुआ है ताकि मेरी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहे। तो दोस्तों अगर कोई दोस्त मुझे किसी भी पिक्चर या किसी भी पोस्ट में टैग करता है मेरे नाम को, तो केवल और केवल मैं उस टैग को देख सकती हूँ। देखिए इसमें एक और बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि हम जैसे ही हमें किसी दोस्त ने टैग किया है तो जैसे ही वो टैग आपकी फेसबुक पे टाइमलाइन पे अपीयर होगा तो आप उसको रिव्यू कर सकते हैं कि आप इस पिक्चर में टैग होना चाहते हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे। इसको आप टैप कीजिए रिव्यू टैग्स को। इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अगर कोई आपका जो फेसबुक पे है वो आपका दोस्त नहीं है मगर आपको स्टिल वो टैग कर रहा है तो आपको क्या होगा, आपको एक मैसेज भेजेगा फेसबुक कि आपको इस पोस्ट में या इस पिक्चर में टैग किया है और आपको इसको रिव्यू करना होगा। टैग रिव्यू ऑन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस आइकन को प्रेस करना होगा ब्लू में, तो आपका टैग रिव्यू का जो ऑप्शन है वो चालू हो जाएगा, यानी कि फेसबुक आपको पूछेगा कि आपको ये टैग रिव्यू करना है या नहीं। तो उसके बाद ये आपकी मर्जी होगी कि आप उस पिक्चर में टैग होना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है, अगर जिस पिक्चर्स में हमें टैग कर दिया गया है दोस्तों के थ्रू, हम चाहते हैं कि वो या नहीं चाहते कि वो वाली पोस्ट हमारे टाइमलाइन पे पोस्ट हो। आइए जानते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। इस पर प्रेस कीजिए। देखिए हमारे पास दोबारा से एक ऑप्शन आ रहा है टाइमलाइन रिव्यू का। तो अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे दोस्त ने किसी पिक्चर में मुझे टैग किया है मगर मैं वो पिक्चर अपने टाइमलाइन पर नहीं चाहती ताकि और दोस्त उसको ना देख सके, तो मैं इस टाइमलाइन के आइकन को ऐसे ब्लू प्रेस कर सकती हूँ। इसको टैप करने पे जब ये ब्लू में चेंज हो जाएगा इसका मतलब है कि ये टाइमलाइन रिव्यू का ऑप्शन ऑन है, यानी कि आप रिव्यू कर सकते हैं कि आपकी ये टाइमलाइन पे अपीयर होगा या नहीं। सो दोस्तों ये था आज का प्रोसीजर अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने का, दो तरीके से, पहले टैगिंग से और उसके बाद जो है उससे क्या कहते हैं आपकी जो टाइमलाइन है उस पे आपके टैग्स आएंगे या नहीं। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम आप अपनी फेसबुक की जो सेटिंग्स है उसको चेक करते रहिए ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।